हेलो व्यूअर्स, आज 25 जुलाई का दिन है। हमारी बुआ जी यहाँ पे फार्म पे आई हुई है। उनको हम अपने पितृ स्थान है ये सरस देवता, यहाँ पे हम लेके आए हैं। उन्हीं की याददाश्त में हम ये अपनी वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये हमारी बुआ जी हैं, साथ में राजबाला तैलान हैं। ये सामने हमारे सरसदेव हैं। इन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ पे इनको लेके आए। आ जाओ, यहाँ पे सरसदेव है हमारे। नमस्कार बाबा जी। ये हमारी बुआ जी हैं, हरियाणा से आई है। यहाँ आती थी मेला देखने वाले ना? हरियाणा। हाँ, हमारे ये यहीं पे रतन सिंह फार्म है। हाँ, उन्हीं का लड़का। हाँ, उन्हीं का लड़का हूँ मैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं बाबा जी, इनकी देख रेख में ये सब चल रहा है। यही आसन संभाले हुए हैं। यहाँ पानी भर गया, पूरा सी पानी भाई, बहुत पानी है। ये हैं हमारे शिवजी महाराज। ये हमारा पैतृक कह लीजिए, ये बहुत ही पुराना सरसदेव का, ये सरसदेव हैं। यहीं पे पहले कभी हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आते थे। क्या किया करते बुआ? है बुआ ना, और बगैर बोलिया करते के? हाँ, भजेर भजेर बात होती थी पहले यहाँ पे, भजेर की आवाज आया करती। भजेर देखने आते थे पहले, भजेर होती थी यहाँ पे। होती है? अच्छा अच्छा, ये नाला है। ये नाला पहले बहुत गहरा होता था, अब तो यहाँ फसल होने लग गई है सब। ये नाला आगे तक गया है, आगे उधर उस तरफ अपना फार्म है। ये सब यहाँ पे बहुत ही पुराना स्थापक है। खुल लेना, खुल लेना मेरे को, खुल लेना। तने तने दिए हुए हैं,
ये हमारी बुआ जी दर्शन करते हुए सही लग रहा बुआ, पुरानी सब यादें कुछ ताजे हुई और दादी खूब आया करती, नाला पार कर कहा करती है, नाले में तो पानी रह तो सारी है ना आज आज हर पूर्णमासी को आवा माध्यम तो रोज बजेर रोज होगी क्या बजेर नहीं चार पांच दिन होती है महीने में हाँ। तारीख है कोई तारीख नहीं जो बाबा जी को पता होगा जी सावन क्योंकि जो हमारी ये सावन में हमारी दादी थी ना तो ये इनको लेके आती थी बजेर देखने के लिए। आप कितने साल से हो इधर? अरे मेरे को तो काफी 21 साल हो गए। 21 साल हो गए हाँ, तो ये जो 21 साल पहले ही आई थी ये बहुत दिनों बाद आई, हरियाणा रहती दूर ना ठीक है ये दर्शन पूरे हुए धान की फसल कितनी बढ़िया है बहुत ही बढ़िया गन्ना वो तुम देखी देखी देखो रखे क्या होंगे ये अति उत्तम धान की खेती घूम का आना पड़ा है यहाँ के लिए गड्डी में अगर आना है तो घूम का आना पड़ा है कितना घूम का आना पड़ा है तकरीबन 6-7 किलोमीटर करीब पड़ गया है ना देसी दा मुश्किल तो आधा आधा किलोमीटर भी कोई ना फार्म पड़ते है कितना बढ़िया गन्ना सामने बैगुल जलाशय है बैगुल डैम बोलेंगे इसको शीशे के बाहर से बैगुल जलाशय है बैगुल फ्लोर कहेंगे Go ahead.
ये अपना बैगुल डैम है। पानी अभी तालाब में बहुत कम है, बारिश इतनी हुई नहीं है। ये अपने बुआ जी को हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये हमारे पीछे बैगुल सरोवर, बैगुल स्टोर, पानी जहाँ पे स्टोर होता है, तालाब है। बहुत लंबा ये स्टोरेज है पानी का, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर और आगे तक सब पूरा तालाब है, ये यहाँ स्टोर होता है। हमारी बुआ जी घूमती हुई पानी बहुत ही कम उम्मीद ज्यादा थी। ये है तलान साहब, डैम का नज़ारा देखते हुए। पानी है ही नहीं पानी निकाल दिया हाँ? निकाल दिया पानी, ये बहुत पानी। घना पानी छोड़ दे हैं ये पत्थर से बारिश हुई ना, जब पानी घना हो गया था तो छोड़ दिया था। अपनी नदी में पानी आ गया था, पीछे बताऊं थे नदी में पानी आ गया। तो फिर लाल जितना बारिश जैसी हुआ है उस हिसाब से कर ले। बहुत से बगुले बैठे हुए हैं पेड़ों पे। ये बुआ जी हमारी बिल्कुल आराम आराम से नीचे उतरती हुई आ जाएगी आराम आराम ताजा।
आ जाए वो ये वो गेट सही है, ये लोहे का ना दिखा है, ये लोहे के गेट है, ये ऊपर देख वे लाग रही है इसमें गरारी ना, जब जरूरत हो जब उन गरारी उन्हें घुमा दे ऊपर तक तो घुमा गए गेट खुल जाए ऊपर आने, तो पानी जो परली तरफ होगा ना वो पानी लग जाए पड़न, पानी जब भर जाए ना तालाब में परली के ना पूरा, जब ये पानी खोल दे याडे यहाँ होगा, यहाँ से फिर जा नदी में, चारों गेट खोल दे हैं जब ज्यादा पानी भर गया है, बारिश की वजह से पानी भी गंदा हो रहा है। हाँ पानी ये भी पीछे बारिश हुई थी ना मतलब तब उसी टाइम खोल लेते, अब तो पानी सूख गया, अब पानी नहीं है इतना। ये वो जंगल है यार शुक्र देगा ना, हाँ हाँ यो यह नदी सीधी अपने फार्म पर गई है, ये बैगुल के नाम तो है अपनी नदी भी फार्म पर जो है वही इससे की शाखा है एक तरह से, आगे आगे जैसे जैसे पानी इधर उधर चला जाए ना आगे छोटी होती चली जाए नदी, अपने फार्म पर वो छोटी के रूप में वो वहीं जा खत्म हो जाए फिर। हाँ इधर से ये सीढ़ियां तो उतर जाए आदमी नीचे, ये बालक नहीं बैठे थे अपने चले जा जवान बालक जो है, ऐसे तरीका गलत है ये, पैर रिपीट जाए तो बहुत चोट खा जाए आदमी, बहुत लंबा है देखिए कितना ऊंचा है पत्थर है नीचे, के शाना काम है पर छोटा हवा वाला तू तार रखे दे इस चढ़ा दो ऊपर मैं वो कर रहा खेल रहा चढ़ भी जा बाबा तो कौन का होगा भाई हैं ये उसी से वो ईंट तो खड़ी कर ला रखे हैं उल्टा रुपट गया तले खड़ा है बड़ा ईंट जो है ना थोड़ा सा टेपर में लगा रखी है ताकि पांटे कणगारा हो जाए, मैं रात नहीं दिखा था पड़ना रही पड़ना रही रात ज्यादा आ गई चढ़ गया छोरा देख ले नीचे वाला तो बुआ जी नीचे डैम को देख के वापस आ रही है चला अब ये दिखाऊंगी मैं 86 साल के हैं बुआ जी देखो 86 साल की हैं हमारी बुआ जी सांसड़ की बुआ है
बड़ी हिम्मत मारी और पसीना तो आए जाएगा छियासी साल की उम्र में चढ़ना सीढ़ी थोड़ा बड़ा काम है हूं देखा जाए हाँ बड़े बैठेंगे वो जाली सीधी तो ऑफिस बना रखा है इस सामने मतलब इनका डैम वाले का ऑफिस है यो दूर दूर तक पानी ही पानी अड़ा ना हुआ ये दिखा दे तो ये सीम सी चली गई है न्यू नागिन यो डैम का मतलब न कह ले जैसे नो बांध सा है यो न्यून चला गया ये न्यून तो फिर और आगे चला गया ये करीबन 25-30 किलोमीटर में गए ये न्यू डैम बांध रखे इतना ऊंचा बांध यो ये जो है ढाड़ है न्यू बांध रखे इंगेन चला गया फिर इंगेन तो ये बैठे हम ये न्यू पश्चिम चला गया न्यून इसमें ना वो देख अग देख वो दिखते हुआ दिन देख प्रेन सी बहुत दूर कितने देख वो भी दिख देख वो देख एक बार ये नाव चल रहा हुआ है अच्छा ये पूरा झील जो है इसमें जैसे जो मच्छी पैदा हुआ है तो साल भर का कांटेक्ट दे देते हैं ये इन मछुआरे हैं ये अच्छा। ये अपने नाव लेकर जाल जूल डालते रहे हैं पकड़ते रहे मछिया में तो नाव चल रहा है इनकी ये मेरे यहाँ निकलेंगे वही दो नाव वेरी देख न्यून दो वेरी एक बारी छोटी सी है तीन ये री एक बार दिख छोटी थी पर इन चल रहा रिवा न्यू आगे ती इन कई नाव है ये चारों कहने तेन जाल बिछाते रहे हैं अपने हाँ मतलब जैसे जाल बिछा दिया इस टाइम से ही देखभाल करिए तड़कला उसी फिर अपने जाल समेट ले इनके साल भर के कॉन्टेक्ट हो जाए मछली पकड़ते हवा ही सही और समुद्र है बुआई और के आया बुआ बढ़िया सपोज देख देख इस तरह का ये विश्वामी हिमालय पर्वत है इधर है नी इस हिमालय पर्वत की तला जितनी भी मैदानी इलाके में जो पानी बह हुआ है वो पानी इस झील में आकर ने अड़े रुक जाए है रोक ले अड़े रोकन का बना रखे है तालाब के ले जोड़ के ले कुछ के ले इसमें पूरा पहाड़ का जो पानी आया है वो सारा याड़ा रुक जाए फिर इसने जिसकी जरूरत हो ना अगर उस हिसाब से पानी छोड़ना है फिर याड़े तक ना तो तालाब में भरा रहो इस तक ये है ना मतलब एकदम तो बिरला के घनी बारिश होगी ऊपर तो पानी जो है एकदम तो भाव मारेगा करड़ा तो वो नहीं मार सकता वो एक रुकावट होगी याडे फिर बांध के जरिए जितनी जरूरत होती है छोड़ते रहे हाँ उस तक फिर नदियां चला जाओ
फसला नुकसान ना करा कर। पहला जो आ जाया करते बेड़ा लग गया, बाढ़ आ गई, वो ले आ गए, सब कम बह जाया करता। तब ये जो है, ये जो रुकावट बना दी, बांध बना दिए, रिश्तवा खत्म होगी बात। और सारे के चौकर देख लिया, ये जो है सीधा 25-30 किलोमीटर नून चला गया, नानक बते तो भी आगे ने है, अरे न्यूंग चला गया। ये बहुत बड़ी झील है, ये बहुत बड़ी झील है। ये इस पर जगह जगह यो बेगूसराय, हाँ वो दिखा गांव सा भी है। ये गांव तो वो सही समुंदर सा यू नहीं लगता ना, बड़ा ये टापू से है, जगह जगह पे जगह जगह टापू से हैं। कितना जैसे ये झील होगी, कितना टापू हो गए तो गांव बस गए बड़ा नहीं हो। लगभग सांझ होगी, सालन का कर लें ये। संभल कर लिए चढ़ जाए, ओढ़ना दे दे। सांझ होगी वो, दिन 56 सी हो गया, सालन का कर लें इधर। और मेरे बगले आने हो जाना, कौन सा मेरे पतली कमर लावे लंबी नाड़े लड़ाई जीते मेरे राम माता ना बुझू मेरी प्यारी कौन सी मेरे राम पतली कमर लावे ले मेला मैं जरूर देखली मेरे राम गंगा के उरल घाट भरल घाट बुगला जली डेरया मेरे राम मैं तन बुझू मेरी सास पत्या मैं प्यारा कौन सा मेरे राम सली करली गड़ मैं चांद आगड़ मैं खेला एकला मेरे राम बुझू मेरी सास बेटिया मैं प्यारी कौन सी मेरे राम पतली कमर मोटे नैन कैसी दाढ़ एकली मेरे राम बैगुल डाउन जाते हुए गाड़ी से चलेंगे अभी। ये आड़ा सारी जल मुर्गाई इकट्ठी हो रही है, जय जल मुर्गा देख ये आड़े ये था
ये सारी जल मुर्गा ही हैं और वे बड़े बोगले बैठे वो बोगले मेरे ये तो कितने बोगले देख धौड़ा हो रहा है पेड़ गति देखा कितना बढ़िया दिखा है देख सारा वहां से लेकर वहां तक ये बेगूसराय डैम से उतरते हुए ये निकासी से बाहर